से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। और एक शब्द अंग्रेजी में, इंग्लिश में और क्या लिखा होता है घर के बाहर? वेलकम। वेलकम, वेलकम का अर्थ क्या होता है? स्वागत। वेलकम का अर्थ क्या होता है? स्वागत। तो हमारे सामने तीन शब्द हैं। पहला है वेलकम, वेलकम का अर्थ होता है स्वागत करना। दूसरा होता है वेल डन, बोलते ना वेल डन बेटा, बहुत अच्छा किया। तो जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है, अच्छा कार्य करता है, तो उसकी अनुमोदना करना, उसका सत्कार करना। वेलकम से हम स्वागत करते हैं, वेल डन से हम उसका सत्कार करते हैं, अनुमोदना करते हैं। वेलकम वेल डन, कि पहले आपका स्वागत भी किया, फिर हमने आपका सत्कार अनुमोदना भी की। उसके बाद तीसरा शब्द आता है वेल डन, कि आपके जीवन से हम एक अपने जीवन में क्या लाए? परिवर्तन लाए, सम्यक परिवर्तन लाए। तो स्वागत, सत्कार और सम्यक परिवर्तन। हमारे जो परम पूज्य सत्व रत्न सागर जी महाराज साहब, दीक्षा के पहले क्या नाम था उनका? और शॉर्ट में सीपी। दीक्षा के पूर्व आप सभी के घर आए, आए कि नहीं आए? श्री संघ में पधारे, संघ में उनका बहुमान हुआ, आप सबने उनका तब क्या किया? वेलकम किया, स्वागत किया। 7 दिसंबर को तीर्थाधिराज शत्रुंजय में परम पूज्य आचार्य भगवान शताधिक साधु साधु वृंद की निष्ठा में उनकी दीक्षा हुई। और दीक्षा के बाद आप लोगों ने, बहुत सारे लोग वहाँ प्रत्यक्ष उपस्थित थे, बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप में वीडियो देखा होगा, यूट्यूब में ऑनलाइन दीक्षा देखी होगी, आप सब ने क्या की उनकी? अनुमोदना किए? नहीं किए? किए कि लगा रहे कहाँ चले गया, बढ़िया तो संसार में बैठा था, हाँ कोई कमी नहीं थी, बढ़िया सब चंदू चंदू करते थकते नहीं थे लोग, कुछ काम होता तो सीपी सीपी करते थकते नहीं थे लोग, कहाँ चले गया वो? ऐसा भाव आया किसी को? आया नहीं, अनुमोदना का भाव आया। क्यों? क्यों? किसके पथ पे जा रहे हैं? शंकर परमात्माओं के पथ पर, भगवान महावीर के पथ पर जा रहे हैं। और भगवान महावीर ने जैसे अपनी आत्मा का कल्याण किया, वो भी अपनी आत्मा का कल्याण करने जा रहे हैं। तो हमने उनकी अनुमोदना भी खूब कर ली, और देखो इनका पुण्य भी, और आप इनसे इनका पुण्य तो क्या कहें कि बाड़मेर वालों का पुण्य देखो। महाराज साहब लोग, जितने महाराज साहब की दीक्षा होती है 20-25 साल हो जाते हैं, अपने गाँव पधारे ही नहीं होते है ना, लेकिन इनका दीक्षा के बाद कितने जल्दी इनके जन्मभूमि, इनकी जो कर्म भूमि रही और इनकी जो धर्म बीजारोपण भूमि रही, ऐसी बाड़मेर नगरी में इनका दीक्षा के 4 महीने में बराबर, 7 दिसंबर को दीक्षा और 7 अप्रैल को इनका बाड़मेर में वापस प्रवेश भी हो गया। तो ये इनका पुण्योदय नहीं है, बाड़मेर संघ का पुण्योदय है कि 4 महीने के अंदर बाड़मेर के रत्न इनके संघ में, इनके गांव में पधार गए, वेलकम कर लिए, वेलडन भी हो गया। लेकिन ये 4 महीने में आप सभी के बीच पधार गए, अब अपने को अपने जीवन में क्या कर लेना है? वेलडन कर लेना है। अपने भी जीवन में क्या ले आना है? परिवर्तन ले आना है, सम्यक परिवर्तन ले आना है। कि देखो कभी भी हमारे सब लोग ही, कई साध्वी जी उस दिन प्रवचन में बोले ना, हमको तो लगता नहीं था कि सीपी कभी, आप लोगों को भी लगता था? लगता था, लेकिन जब भीतर से धर्म करने की भावना जागती है, भीतर से भाव होते हैं कि मुझे क्या करना है, ऐसे देखो बोल के भी क्या निकले जब उद्धार करने निकले। लेकिन ये गिरिराज का प्रभाव, जिन राज का प्रभाव और गुरु राज का प्रभाव, कि उनके बीच में रहते ही, उनका माहौल मिलते ही, उनका निमित्त मिलते ही, अंतर के भावों में ऐसा परिवर्तन आता है कि जीव को लगता है कि मैं धर्म नहीं कर सकता, मैं रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर सकता, जमीकन का त्याग नहीं कर सकता, रोज पूजा नहीं कर सकता, नवकारसी नहीं कर सकता, पक्की नवकार वाली नहीं बैठ सकता। लेकिन जैसे ही ऐसे महापुरुषों का संग मिलता है, परमात्मा का संग मिलता है और उस गिरिराज की छाया मिली, तो इनके भी जीवन में भावों में क्या आ गया? परिवर्तन आ गया। इन्होंने तो अपने जीवन में जब छोटे से थे, बड़े आचार्य भगवान जब आराधना भवन में
पता नहीं चला। तो वही अब आपको ब्याज के साथ वापसी देनी है, अभी तो मूल दिए हो, ब्याज तो बचा है लेना। 97 में दे दिए थे, 4 साल का था तब उनका खाता चालू हो गया था, 27 साल का तब तो ब्याज भी साथ में आ गया। तो बचपन से जिनके भाव थे, लेकिन देखो बचपन के जो भाव संजोए हुए थे उनको भी पूरा करने का उनको निमित्त मिला, कि जैसे नाग केतु ने पूर्व भाव में क्या किया था, अठम तक करूंगा, इस भावना के साथ उसका जीवन पूर्ण भी हो गया। लेकिन अगले भाव में जन्म के साथ क्या किया उसने, तो बचपन में इन्होंने जो भावनाएं संजोई थी कि मुझे संयम अंगीकार करना है, दीक्षा अंगीकार करना है, जैसे ही समय समय बीतता गया और धर्म के मार्ग पर अपना पुरुषार्थ चालू रखे, और कहां पहुंच गए आज, सीपी चंद्र प्रकाश चारित्र प्रयाण की ओर इनका जीव, इनकी आत्मा बढ़ गई। लेकिन बस जो भाव संजोए थे उसके लिए पूरा क्या किया, पुरुषार्थ किया, परिश्रम किया, अपने जीवन में सम्यक परिवर्तन लाने का इन्होंने वो जो मौका, उनको चांस मिला, उसको छोड़ा नहीं। यही मौका आज छाजेड़ परिवार के बीच, सकल बाड़मेर श्री संघ के बीच भी वापस क्या हुआ है, उपस्थित हुआ है, कि हम आज जो आपके चंदू महाराज साहब, पूज्य सत्व रत्न सागर जी महाराज साहब का नगर प्रवेश हुआ, आज उनके गृहांगन में प्रवेश हुआ है, तो हम कम से कम उनके संयम जीवन की अनुमोदना के लिए, अपने भी जीवन में कुछ ना कुछ छोटा सा छोटा परिवर्तन लाने के लिए, एक छोटा से छोटा हम क्या लेंगे आज, नियम लेंगे, कि वो तो देखो सारे पापों का त्याग करके कहाँ आ गए, संयम जीवन में आ गए। लेकिन हम जब तक संसार में है तो संसार को छोड़ने के लिए हमको क्या करना है, एक छोटे से छोटे नियम के साथ जुड़ना है। इसके साथ ही देखो, से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरे तो पतंग उड़ गई रे, तो पतंग उड़ गई रे, मेरे तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। काई वेश पहन के दौड़े वीर के पथ पे, देखो कैसे चमक रहे हैं वीर का वेश पहन के, संयम का ये वेश पहन के दौड़े वीर के पथ पे, देखो कैसे चमक रहे हैं वीर का वेश पहन के, आओ मिल के वंदन करे वैरागी का, जय जय कारी करे।